दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक से मिलने वाला फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन के बारे में। हालांकि यहां पर आपको जो लोन मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक से लोन मिलने वाला है, तो भैया यहां पर साफ सुथरा बात यह है कि बिना सिविल का लोन नहीं मिलेगा। तो क्या है डॉक्यूमेंटेशन और क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है क्राइटेरिया, सारा चीज कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत ही करिएगा। दोस्तों अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक से वाव कार्ड लेना चाहते हैं, FD बेस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि मिनिमम FD करके आप तुरंत वाव कार्ड ले सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन जो कि होगा IDFC फर्स्ट बैंक का, उसी एप्लीकेशन के अंदर में वर्चुअल कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टेंट, अगर आप मिनिमम FD करते हैं तो। इससे ये होगा कि जो आप मिनिमम FD करेंगे उसके बिहा पर 100% का लिमिट भी मिल जाता है और आपको ऑन टाइम रिपेमेंट भी करना है, यानी उस कार्ड का लिमिट जो मिलेगा आप कहीं भी इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑन टाइम रिपेमेंट करते रहिए। और ऐसे कंडीशन में वही लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड जिनका सिविल स्कोर खराब होता है। मेरा मानो अगर FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी सिविल स्कोर यहाँ पर बढ़ने वाली है, बिल्ड होने वाली है। तो भैया इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भैया IDFC फर्स्ट बैंक से मिलेगा भैया कैसे पर्सनल लोन। यहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, जैसे कि देख सकते हैं मल्टीपल विथड्रॉल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 लाख रुपए का लोन निकाले अगले दिन आप 2 लाख का ना निकाल पाए। अप्रूवल जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे चीजें, यानी वन टाइम आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए। जितना आप लिमिट इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेगा। तो भैया कुछ इस तरह से चल रहा है यहाँ पर, जिससे कि और एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, मान के लिए आप लोन समय से पहले अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, यानी 0-4 क्लोज चार्ज के साथ एप्लीकेशन ये काम करने वाली भैया, जो कि आपको फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन आपको मिल रहा है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक से। हम सब कुछ बात करेंगे डिटेल में, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, बड़ा लोन मिल रहा है वो भी बैंक से, और यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स क्लोजर के ऊपर चार्जेस नहीं है। आप जितना लोन अमाउंट यूज करेंगे भैया उतने के ऊपर चार्ज लगेगा। मल्टीपल विथड्रॉल है, मिनिमम आप 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने का सुविधा मिल रहा है, यानी EMI में लोन की चुकता कर सकते हैं और आप साथ ही साथ डिसबर्स करा सकते हैं इंस्टेंटली कभी भी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया रखा है, अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हैं और आपकी उम्र 21 साल से 60 साल है तो भाई डेफिनेटली लोन ले पाएंगे। लेकिन वही बात आती है भैया सिविल स्कोर, तो भैया बैंक है ये, बैंक को कम से कम आपको 750 सिविल स्कोर चाहिए ही, 720 होगा 730 होगा तो लोन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि भैया आपका 750 आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए तो ही हम आपको लोन देने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका सिविल, ये चीज़ें भी समझ लीजिए। अगर पिछले टाइम अगर आपने कोई लोन ले रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंक्वायरी भी कर रखा है तो ये चीज़ ना ही हो। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ लोन अकाउंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3-4 रहेगा तो चल सकता है। दूसरी चीज़ कि लोन अकाउंट डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, जो लगातार आपने 3 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं ना वही डिफॉल्ट हो जाता है, तो जिस कारण से ओवरड्यू आपका शो होने लगता है। तो भैया कोई भी लोन कंपनी आपको क्यों भी लोन देगी, इस बात को थोड़ा नोटिस करिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर ये सब चीज़ को फुलफिल करते हैं तो भैया बात आगे बढ़ती है, भैया आगे फिर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। इन्होंने यहाँ पर बताया है बस हमारे पास कुछ नहीं होनी चाहिए, बस पैन कार्ड आपके पास है, फिर उसके बाद क्या करना है, वीडियो KYC करना है, बस आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर यही चीज़ अगर आप कंप्लीट करते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सेम प्रोसेस के साथ गुजरना होगा। इन्होंने ये भी बता दिया है पहले स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो इनके स्कैन करना होगा QR कोड के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आके पर्सनल लोन के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करिए मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करिए, बेसिक डिटेल फिलअप करिए और एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। उसके बाद किसी तरह का लोन का डिटेल या फिर किसी तरह का कोई लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलता है तो आपको सबसे पहले वहाँ पर EMI प्लान वगैरह चूज करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए, जिस भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों KYC वगैरह करा लेनी होगी। सारा चीज़ कंप्लीट कराने के बाद, यानी वीडियो KYC वगैरह होने के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको EMI कैलकुलेट भी मिल जाता है,
अब यहाँ यानी कि कैलकुलेटर मिल जाता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितने महीने के लिए लोन लेते हैं, कितना चार्जेस लगता है, वो चीज़ आपके सामने आ जाता है, और आपकी मंथली ईएमआई क्या लगने वाली, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें कि देख सकते हैं ट्रेवल, इमरजेंसी लोन, वेडिंग लोन, मेडिकल लोन, होम इम्प्रूवमेंट यानी घर को अगर कोई मरम्मत करवा रहे हैं, घर में चीज़ें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर को बड़ा कर रहे हैं, तो चीज़ें वहाँ पे भी आप इस बिहा पर आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पर्सनल यूज में आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालांकि मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बता दिया, जो भी आपको लोन की लिमिट मिलेगी वो IDFC फर्स्ट बैंक से ही मिलेगा, क्योंकि हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो गेट मनी वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नीचे में आप देख सकते हैं गेट मनी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यस IM के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, बिना इंस्टॉलेशन के यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। आप चाहते हो तो IDFC फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और गेट मनी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने का प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। जो भी हमने यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP कोड आएगा, तो OTP कोड हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए यहाँ OTP आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उफ, एड्रेस नोट सर्विसेबल, कहने का मतलब है कि हमारे पिन कोड के ऊपर या फिर हमारा जो भी है लोकेशन के आधार पे यहाँ पर लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती है। साफ साफ इन्होंने लिखा है, वी विल नॉट एबल टू सर्विस योर लोकेशन करेंटली, प्लीज लुक आउट फॉर द मोर एग्जिस्टिंग ऑफर। यानी कि पर्सनल लोन अभी हम फिलहाल आपको नहीं दे सकते आपके लोकेशन में, और भी कोई एग्जिस्टिंग ऑफर है चल रहा है उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो भैया हमें तो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता रहा था। फिलहाल ये हमारे शहर में लोन सर्विस प्रदान नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं अप्लाई करके। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो भैया आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमारा 750 से ऊपर सिविल स्कोर नहीं है, कम सिविल स्कोर है, फिर भी हम लोन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए भी दोस्तों अलग से वीडियो बनाई गई है, वो भी आधार पैन के बेस पे। 15 से 20 एप्लीकेशन के ऊपर मैंने खुद लोन लेकर दिखाया है, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो इस बारे में जरूर पता होगा कि इस चैनल के ऊपर 95% लोन लेकर दिखाया गया, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ अपने प्रोफाइल के ऊपर। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं। पहले वीडियो देखिए, समझ में आएगा भी आपके लिए कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है, फिर उसी एप्लीकेशन तरफ जाइए। सारे के सारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा। RBI रजिस्टर्ड होते हैं, NBFC या फिर बैंक पार्टनर के जरिए से ही लोन मिलता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।